गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 25वीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की चल रही है और लास्ट वीडियो जो हमारी थी 24वीं, उसमें मैंने प्रथम सिद्धांत के बारे में आपको बताया था। तो आज उसी टॉपिक को हम प्रथम सिद्धांत वाले को ही आगे ले रहे हैं। इसी टॉपिक को हम अब लंबा चलाएंगे, थोड़ा सा कई दिनों तक चलेगा ये टॉपिक, तो आप इसको ढंग से समझ लें। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप में शेयर करें इस बात को, है ना। और ये टॉपिक 12वीं क्लास के लिए जैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक लिया है कि टाइम भी है आपके पास, आप इसको कर भी सकते हैं। अब जैसे हम आते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि साइन एक्स का आंसर कॉज एक्स आया है ना, और कई बार मेरे मुंह से ये भी निकला है कि कॉज एक्स का आंसर माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, अवकलन होता है। तो अब हम ले रहे हैं कॉज एक्स को, ठीक है। जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन दे दिया कि भाई कॉज एक्स है, अब कॉज एक्स को आप सॉल्व करिए, कॉज एक्स को सॉल्व करने के बाद फिर हम आंसर निकालेंगे। तो अब इसमें बीच में देखिए एक फार्मूला आएगा, वो फार्मूला तीसरी प्रश्नावली में है, तीसरी प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री वाली है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं फार्मूला साइड में लिख दूंगा, अभी फ़िलहाल आप उसको याद करिएगा, फिर बाद में समझाएंगे कि कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। तो पहला रूल था, उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो पहला नियम हमारा ये था कि जो भी फलन हमको दिया जा रहा है, उस फलन को सबसे पहले आपको वाई के बराबर लेना है। तो हमें क्या दिया गया, कॉज एक्स दिया गया, कॉज एक्स को हमने वाई के बराबर ले लिया और ये बन गया समीकरण नंबर एक, ठीक है। पहला रूल कंप्लीट हो गया। फिर एक्स तथा वाई में आंशिक वृद्धि, आंशिक वृद्धि के बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना, पिछले टॉपिक पे, ये जो पिछला लेक्चर था हमारा उसके बारे में हम बात कर चुके थे कि आंशिक वृद्धि डेल्टा एक्स तथा डेल्टा वाई करने पर, आंशिक वृद्धि कर दी एक्स में तथा वाई में, आंशिक वृद्धि की गई एक्स और वाई में। जब आंशिक वृद्धि करेंगे तो देखिए वाई में आंशिक वृद्धि करेंगे तो डेल्टा वाई होगा, और जब हम एक्स में आंशिक वृद्धि करेंगे तो डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। ये हो गया नंबर दो, ये नंबर दो हुआ। फिर उसके बाद में समीकरण एक व समीकरण, या समीकरण दो में से, ऐसे लिख दो आप, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, ठीक है, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दिया जाता है। घटा दिया, घटाने के बाद क्या आएगा, देखिए पहले ये लिखना है, समीकरण दो लिखनी है पहले, तो y प्लस डेल्टा y, ध्यान से देखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, y प्लस डेल्टा y LHS वाला पार्ट है, फिर माइनस y आ रहा है, माइनस y को लिख दिया, फिर ये वाला पार्ट आ रहा है cos x प्लस डेल्टा x, और माइनस हो जाएगा cos x, ठीक है ना, ये स्थिति आ गई। उसके बाद y से ये y कैंसिल हो गया, डेल्टा y आ गया, cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, cos a प्लस बी का। अब कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉज ए प्लस बी बराबर होता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना, जब आप क्लास में बैठेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा मैं आपको पूरी, तब बताएंगे। और इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ी थी ना, ये तो बच्चों का खेल था। अभी तक आप 10वीं पास आउट करके आ रहे हैं और आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो 10वीं में आपने पढ़ी थी, वही कई बच्चों को तो खतरनाक लग रही होगी, और कईयों ने तो इसी चक्कर में मैथ भी नहीं ली होगी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहाँ, तो है ना, साइन कॉस थीटा दिखते ही बस हालत ख़राब। तो इसको जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं है। और अब भी ये कह सकते हैं कि जो 11वीं में आ रहा ना, ये मात्र आप 10% ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद तो अभी 90% और भी बची हुई है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जितना हम डीप चले जाते हैं तो फिर वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो वाई से वाई कट गया, डेल्टा वाई बच गया, यहाँ पर देखिए कॉज ए प्लस बी बन रहा है, कॉज ए प्लस बी के हिसाब से इसको खोलते हैं, तो ये ए की जगह काम कर रहा है, ये बी की जगह काम कर रहा है, तो कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, बी की जगह पर डेल्टा एक्स और साइन, ये कॉज एक्स माइनस का कॉज एक्स पीछे चलेगा, ठीक है। यहाँ तक का काम हो गया, दोबारा देखिए एक बार, y से y कट गया, डेल्टा वाई बच गया, कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, कॉज ए प्लस बी का, a की जगह पे ये चल रहा है, b की जगह पे ये चल रहा है, तो कॉज a कॉज b फिर माइनस साइन a और साइन b, ठीक है, माइनस कॉज x पीछे चल ही रहा है, उसको ऐसे ही रहने दिया। अब फिर वही काम करना है जो अभी पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था, कि हमें पता है कि डेल्टा x टेंस टू जीरो चल रहा है, यानी डेल्टा x एक
बहुत छोटी सी राशि है, इतनी छोटी राशि है कि इसके बारे में हम कोई बात ही नहीं कर रहे और इसके मान को हम मानते हैं जीरो के लगभग बराबर। मतलब मान तो है लेकिन उसका हम कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे, है ना, बहुत ज़्यादा कहीं इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हम। इसको ये कह रहे हैं कि ये मान लगभग जीरो के बराबर है। जब ये मान लगभग जीरो के बराबर है तो साइन डेल्टा एक्स का मान क्या आया था, पिछले में ही बताया था मैंने आपको। तो साइन डेल्टा एक्स का मान किसके बराबर होता है, साइन डेल्टा एक्स के बराबर। और कॉस डेल्टा एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा, लगभग एक के बराबर, है ना। तो साइन डेल्टा एक्स का मान तो लगभग डेल्टा एक्स के बराबर और साइन कॉस डेल्टा एक्स का मान लगभग एक के बराबर, ये मान रख दिया। अब इनको सॉल्व करिए तो डेल्टा वाई बराबर कॉस एक्स, ऐसे ही कॉस डेल्टा एक्स का मान एक आ जाएगा, एक हो गया, माइनस साइन एक्स है ऐसे ही रहने दिया, साइन डेल्टा एक्स का मान लगभग ये डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा और माइनस का कॉस एक्स चल रहा है। अब ये माइनस का कॉस एक्स, ये प्लस का कॉस एक्स दोनों कट गए क्योंकि एक से गुणा करेंगे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है ना, वही कॉस एक्स आएगा। तो कॉस एक्स से ये वाला कॉस एक्स कट गया, बचा क्या, डेल्टा वाई बराबर माइनस साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया नंबर तीन। तो ये समीकरण नंबर तीन आ गया, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद में हम डेल्टा एक्स का भाग देते हैं, तो डेल्टा एक्स से भाग करने पर, डेल्टा एक्स से भाग कर दिया इसमें तो वैल्यू आती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर माइनस साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स और अपॉन में डेल्टा एक्स का भाग कर दिया, क्या बचेगा यहाँ से, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया और बचा क्या, माइनस साइन एक्स, है ना। अब लास्ट टॉपिक जो इसका चलता है कि पांचवा नियम हमारा आता है, चार नियम तो हो गए, ठीक है, पांचवा नियम ये था कि लिमिट लेनी है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेने पर दोनों पक्षों में। तो जब यहाँ पर लिमिट लेते हैं तो ये बन जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसका जो एक सिंबॉलिक फॉर्म बनता है वो बनता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसको पूरे को हम मिला के लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये माना गया है, लिखा हुआ है, और इसमें लिमिट लगाने की कोई जगह है ही नहीं, डेल्टा एक्स कहीं पर है ही नहीं तो लिमिट कहाँ लगेगी, कहीं नहीं लगेगी, बचा क्या फिर, माइनस साइन एक्स। तो यही बात मैंने बोली थी कि साइन एक्स का जब अवकलन पूछेगा तो आंसर क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन पूछेगा तो आंसर क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको लिख लीजिए और नोट करें इसको, तो ये हमारा टॉपिक ये चल रहा है अवकलन का, और अभी एक हल्का सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे एक टॉपिक कई बार पूछ लिया जाता है कि e की पावर x का और आता है ना, e की पावर x का, तो e की पावर x का भी हम देख लेते हैं, e की पावर x का क्या होगा, देखिए अगला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं e की पावर x, है ना, इसका आंसर निकालना है। अब हालांकि खैर ये चीज़ें तो मुझे तो पता है कि क्या आंसर आएगा, बारहवीं का कोई बच्चा है उसको भी पता है क्या आंसर आएगा, अब आपको नहीं पता तो e की पावर x का आंसर e की पावर x से आता है। यही एक ऐसा फलन है जिसका समाकलन और जिसका अवकलन यही का यही पद वापस आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, अब इसके बारे में बात करें कि हम प्रथम सिद्धांत से इसको निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि जो भी फलन दिया गया है, जो भी पूछा जा रहा है हमसे, उसको हम y के बराबर रख लेते हैं, तो हमने y के बराबर रख लिया और ये बन गया समीकरण नंबर एक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में अब समीकरण एक में x तथा y में आंशिक वृद्धि डेल्टा x तथा डेल्टा वाई करने पर, ठीक है, एक्स में तो डेल्टा एक्स वृद्धि हो जाएगी और वाई में डेल्टा वाई वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको कि
कि y प्लस डेल्टा वाई बराबर e की पावर x प्लस डेल्टा x, ठीक है। इसको अभी तो ऐसे ही रहने दो, नंबर दो हो गया। अब अगला नियम ये बनता है कि समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देते हैं, तो समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने का है ना, इसको घटा दिया, तो समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दिया, तो y प्लस डेल्टा y माइनस वाई बराबर e की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e की पावर x। अब ये माइनस का जरूर ध्यान रखना कि ये जो माइनस हो रहा है ना, नीचे हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा, कहीं पावर में ही माइनस कर दें इसको, ये माइनस नीचे की तरफ आ रहा है। e की पावर साइन, ये e की पावर x प्लस डेल्टा x हो गया और ये e की पावर x आ रहा है, अलग आ रहा है ये। वाई से वाई कट गया, यहाँ बच गया डेल्टा वाई बराबर। इसमें अब कुछ कटने लायक दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको अपने छोटी क्लासों में एक नियम पढ़ा था, छठी सातवीं में आया था, घातांक नियम, कि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, पढ़ा था ना कि आधार समान है, जैसे दो की पावर दो है और दो की पावर चार है, इस तरह से है, तो दोनों के आधार समान है, इसमें भी दो आ रहा है, इसमें भी दो आ रहा है, और घातें अलग अलग आ रही हैं, तो क्या लिख देते हैं हम कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, जब घातें जुड़ जाएंगी तो इसको लिख देंगे दो प्लस चार, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको ध्यान से कि ये वाला जो मैटर है ऐसा ही तो लिखा हुआ है, यानी कोई एक संख्या है और उसके साथ में दो पद ऊपर प्लस में चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे चल रहे हैं, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो ऐसे ही तो मिलेगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों, तो यही सेम सिस्टम यहाँ पर भी आता है कि इनको अलग अलग कर लेते हैं, e की पावर x और e की पावर डेल्टा x, सही है, अलग अलग हो गए दोनों, मतलब घातांक नियम का विपरीत कर दिया हमने। घातांक नियम ये कहता है कि समान पद आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, जुड़ी हुई घातों को अलग अलग कर दिया, तो इसके जो आधार हैं अलग अलग कर दिए, माइनस ई की पावर एक्स, ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, डेल्टा वाई ई की पावर एक्स कॉमन आ गया ना, ये भी ई की पावर एक्स आ रहा है और इसमें भी ई की पावर एक्स आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, ई की पावर डेल्टा एक्स और माइनस वन, ई की पावर एक्स को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, ई की पावर एक्स और माइनस वन बच गया, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। फिर उसके बाद में ये बन गया नंबर तीन। अब अगला नियम था, अगला नियम भी था, क्या नियम था अगला, कि हम इसमें डेल्टा एक्स का भाग करेंगे, अगला नियम यही है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण चार तीन में, समीकरण तीन में डेल्टा एक्स का भाग करने पर क्या मान आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स, सही है, ये काम भी कर दिया। उसके बाद आती है लिमिट लेना है, इसको नंबर चार डाल दीजिए और समीकरण चार में, समीकरण चार में दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेने पर, है ना, ये मान रख दिया। तो देखिए क्या वैल्यू आती है यहाँ पर, कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर ई की पावर एक्स, हालांकि इस ई की पावर एक्स को आप बाहर रख सकते थे क्योंकि इसमें लिमिट का कोई लेना देना है नहीं, लिमिट यहाँ से चालू हो रही है, e की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन में डेल्टा एक्स। अब अगली स्टेप पे इसको कर लेते हैं, ये जो मिल गया पूरा, इसको तो मैं कई बार बता चुका है ना, ये तो सब सवालों पे ऐसे ही चलेगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, ये वाला जो मान है ये किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, ये एक सिम्बॉलिक फॉर्म है इसकी, है ना, प्रदर्शित करने का तरीका है। अब e की पावर एक्स को तो बाहर रख लिया क्योंकि इसमें तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, जिसमें डेल्टा एक्स नहीं होता उसको लिमिट के अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर ले लेते हैं, और लिमिट में बन गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन बटे डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है, एक सीमाओं का टॉपिक हमारे पास अभी चल रहा है, इससे पहले वाला टॉपिक है वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो इसमें एक प्रसार विधि आती है कि ई की पावर एक्स का एक प्रसार आता है,
प्रसार विधि के आधार पर जब इसको खोलते हैं तो खैर वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि प्रसार विधि से इसको खोलते हैं, फिर डेल्टा एक्स का भाग देते हैं, माइनस वन करते हैं, वो सब काम करते हैं। उन सब कामों के बाद जो आंसर आता है हमारे पास वो एक आता है। तो हम डायरेक्ट एक फार्मूला बना लेते हैं यहाँ पर कि लिमिट अगर x टेंस टू जीरो है e की पावर x माइनस वन बटे x बराबर वन होता है। ये एक फार्मूला बना लिया कि अगर e की पावर में जो भी संख्या यहाँ पे होती है वही संख्या नीचे आ जाए, है ना, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी, लिमिट बनेगी, वो बनेगी एक। मतलब इसका टोटल आंसर जब निकालते हैं तो एक आता है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना क्योंकि आगे जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि भाई कैसे हम इसको सेट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इनकी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू वन हो गई और बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स और बराबर ई की पावर एक्स। इस पूरे की वैल्यू वन हो गई तो ना, ई की पावर एक्स का एक से गुणा करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा। ये आंसर हो गया। तो आंसर तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। देखिए आंसर आएगा ई की पावर एक्स का आंसर क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, इसको देखिए, ये हमारा प्रथम सिद्धांत से ई की पावर एक्स का सवाल था। और इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि कोई और सवाल करिए तो आप आराम से कर सकते हैं, पर उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और कोई करेंगे नहीं तो फिर हम सीधा अवकलन शुरू कर देंगे। मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा दूंगा या लिख लीजिए, इसी वीडियो में आप फॉर्मूले लिख लीजिए तो अगली वीडियो में हम लोग अवकलन का टॉपिक शुरू कर लेंगे, अवकलन डायरेक्ट चालू कर देंगे। जैसे अब जैसे ये तो समझ लिया आपने कि अवकलन हम कर रहे हैं, तो अवकलन करने के बाद जो आंसर हमारा आता है वो कैसे आता है, तो इसको हम लिख देते हैं। जैसे पहला फार्मूला है जो हमने लिखा है बस उसी की बात कर रहे हैं। जैसे साइन एक्स वाई की जगह मान रख देते हैं ना, जैसे यहाँ पर वाई आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स, वाई की जगह पर हमें दिया गया था ई की पावर एक्स, तो यहाँ पर भी ई की पावर एक्स। तो इसको लिखने का तरीका है ये, वाई की जगह पर वाई का मान रख दिया और ई की पावर एक्स यहाँ चल ही रहा है। तो डी वाई डी एक्स साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉज एक्स होता है। फिर दूसरा डी वाई डी एक्स कॉज एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। इन दोनों को तो हमने सिद्ध कर ही लिया। फिर नंबर तीन आता है डी वाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। ये अभी करेंगे जब पता चलेगा आपको आगे कैसे कर रहे हैं। फिर कॉट एक्स का निकालते हैं, भाई पहले जो पूरी थीटा है हमारा उन थीटा के आधार पर ही बात करें, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर कॉट एक्स का हो जाता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर नंबर पाँच हो गया डी वाई डी एक्स, और सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, तो अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम कॉसेक का निकाल लेंगे, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स होगा, अभी उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ सवालों में। फिर जैसे हम ले लेते हैं ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का लिया तो अभी आपने किया ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। इसी तरीके से हमने ले लिया ए की पावर एक्स को, ले लिया ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ये ले लिया, बेस में ई चलेगा। और लॉग एक्स का ले लिया, है ना, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ले लिया, तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का ये कुछ फार्मूले मैंने आपको लिख दिए हैं, इन फार्मूले को आप लिख लीजिए और उसके बाद जब हम आगे अपना काम शुरू करते हैं